भिंड जिले के लहाल में सोमवार को नए कानूनी प्रावधानों की जानकारी देने के लिए एक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि ये कार्यक्रम एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी और थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा द्वारा थाना परिसर में संपन्न हुआ। आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी, थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने वहां मौजूद जनता को नए कानूनी प्रावधानों की मुख्य जानकारी दी। तो वही थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा ने कहा कि नए कानून को लागू होने के बाद हम इसका सकारात्मक परिणाम देंगे। वही इस अवसर पर लहाल के अधिवक्ता, व्यापारी, पत्रकार, शिक्षक, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। लागू होंगे भारत में जो भारत के कानून, आपको पता है अभी तक तीन कानून मुख्य रूप से थे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। 1860 में बने हुए थे, अंग्रेजों के समय थे ये थे। अब नए तीन कानून आए हैं इनके स्थान पर। सबसे प्रथम है भारतीय न्याय संहिता, जिसको कहेंगे BNS। पहले ITC कहलाता था, इंडियन पेनल कोड, अब भारतीय न्याय संहिता आ गया इसके स्थान पर। 2023 में संसद से पारित हुआ है। एक दूसरा जो मेजर कानून है, जो प्रक्रिया चलती है, पहले होता था CRPC, अब उसके स्थान पर आएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS इसे कहेंगे। और तीसरा जो मुख्य आधार है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये BSA कहलाएगा। इन तीन कानूनों से परिचय कराने के लिए सरकारों के द्वारा ये आयोजन किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट के तहत ये आयोजन लगातार हो रहे हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम चल रहे हैं। इसी तारतम्य में आप सभी को आमंत्रित किया।